क्या करूं इल्तिजा है मेरी. चल चुपचाप चलो, मैं चुपचाप चलो मेरे साथ, चुपचाप चलो मेरे साथ, चुपचाप चलो. हेलो, आप घर में आराम कर रहे हैं और मैं यहाँ इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूँ. अच्छा, तो ऐसा क्या कर लिया तुमने? मैंने आपकी साली के शौहर के खिलाफ सबूत ढूंढ लिया है. वाकई? जी. और देखिए, अब आपने मेरा अच्छा खासा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं ना होता तो आप कुछ ना कर पाते. अच्छा अच्छा, वो तो देखेंगे, पहले सबूत तो भेजो. वो तो मैं आपको भेज ही दूंगा, लेकिन पक्का काम तभी होगा जब आपको उसके ईमेल अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा. ईमेल अकाउंट का एक्सेस? अगर उसका ईमेल अकाउंट एक्सेस करना इतना ही आसान होता तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत? अजीब बात करते हो. देखिए एहसान साहब, मैं आपको बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ. अगर हमें अदालत जाना है तो ऐसे सबूतों के साथ जाना चाहिए कि फैसला फौरन ही हो जाए. ठीक है ठीक है, पहले सबूत तो भेजो. जी ठीक है, मैं भेजता हूँ. अजीब पागल आदमी, लेकिन इसके अकाउंट में पहुंचूंगा कैसे? तो यार रहती हो तुम, नॉट बैड. और क्या हाल, कैसी हो? तुम लोग तो ऐसे पीछे पड़े, मैं तो डरी गई थी. तुमने भी तो हमें डरा दिया था. हम जहां भी जाते थे सब यही कहते थे कि हिना तुम्हें ढूंढ रही है. बात ही कुछ ऐसी थी. तुमने आज तक खाना बनाने नहीं सीखा क्या? डैनी फ्रिज में खाने के लिए कुछ नहीं है यार. वो तेरे लिए तो इतना ही काफी है इसको शूट करने के लिए. मेरी अगर ऐसी बीवी होती ना, कब का मार चुका होता उसे. हाँ सही बात है, मैंने खाना पकाना नहीं सीखा. बोलो काम क्या है? वो आरिश के बारे में बात करनी है. क्या बात करनी तुम्हें? तुम लोग के जाने के बाद. मतलब की बात? ना ही हमारे पास इतना टाइम है और ना ही तुम्हारे पास. हाँ लेकिन पूरी बात तो सुननी होगी ना. अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारी शादी कैसी चल रही है हमारे दोस्त के साथ? नहीं वो आरिश ने फारिस की बीवी से शादी कर ली. जी आप ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं? मुझे दो टिकट्स बुक करानी है लंदन के लिए. नहीं, वन वे. मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों साथ में निकलते हैं, जैद और जरार को स्कूल से पिक करके लंच पे चलते हैं. आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं जैद को बाहर का खाना नहीं खिलाना चाहती ना. अभी 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 ठीक हुआ है. हाँ ये भी ठीक है, चलो किसी और दिन से. नाज़िया मुझे कुछ काम है ज़रूरी, वो करने जाना है, तो फिर हम बाद में मिलें. कहाँ? अभी तो स्कूल का टाइम भी नहीं हुआ. हाँ बस वो काम करते हुए मैं जैदू को स्कूल से पिक कर लूँगी, फिर आके तुमसे बात करती हूँ. ओके ठीक. इसकी तैसी की तैसी, मारे का पास ना बजे की पास. नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये मसले का हल नहीं है. ठीक है मुझे मत बताओ मसले का हल क्या है, मेरे सामने से हटो. तुम अपने दोस्त को मारोगे? देखो ऑलरेडी एक कत्ल हो चुका है, अब एक और कत्ल होगा तो तुम प्लीज की नजरों में आ जाओगे. इसको मारा था, इसको भी मार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेरी बात सुनो, जब सीधे साधे तरीके से काम निकल रहा है तो इतनी मुश्किल उठाने का क्या फायदा है?
फजूल में खून बहेगा, तुम लोग छुपते भरोगे। हमें छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम लोग कत्ल करके दंडनाते पड़ते हो? बिन्नास। वाओ। तुम बैठो ना, खड़े क्यों हो? प्लीज प्लीज बैठो। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक मकसद है उसे इकबाले जुर्म करने से रोकना। अब ये मारे बगैर भी तो हो सकता है ना, वो तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारी बात सुन लेगा। बस एक दो हाथ लगा लेना, थोड़ी धमकी दे देना। कत्ल करना नॉट अ गुड आइडिया। नहीं तो हमें उसकी बीवी को भी तो यकीन दिलाना पड़ेगा ना कि कत्ल उसने नहीं किया, उसको तो सारी बात का पता है। हाँ सही बात है। हम तुम्हें पागल लगते हैं? नहीं तो लग तो यही रहा है। तुम चाहती हो कि हम उसे बचाने के लिए इकबाले जुर्म कर लें ताकि उसकी बीवी उसको बंद करवाने के बजाय हम दोनों को बंद करवा दे। मैंने ऐसा कहा है? तुम तो अच्छी खासी अकलमंद थी यार, मुझे नहीं पता था इतनी बेवकूफ हो। बताओ कहाँ है वो, अभी तुम्हारा भी हिसाब बराबर कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना हिसाब बराबर नहीं करना। क्या हो गया यार तुम्हें, कोई मेडल वेडल नहीं मिलने वाला तुम्हें इस कुर्बानी से? देखो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम दोनों इस चीज से बच जाओ, और वो भी, और ऐसा हो सकता है, I promise। बस बात हो गया। तुम उसकी मोहब्बत में डूबी होगी, हम नहीं। जल्दी से बताओ वो कहाँ है, हमारे पास अब तक टाइम नहीं है। मगर मेरी एक शर्त है, पहले तुम लोगों को ये गन यहाँ पे छोड़ के जानी पड़ेगी, फिर ही मैं बताऊंगी कि वो कहाँ है। ये कोई रिक्वेस्ट हो नहीं है कि गन रखो, और वैसे भी अपनी मर्जी आरिश पे चलाना। अब चलो चुपचाप, नहीं तो तुम्हारी भी टिकट कटवा दें। और वैसे भी हमें इस इशू को खत्म करना है, ये ना हो कि उसके साथ साथ हमें तुम्हें भी मारना पड़े। यार ये डरती वरती तो किसी से नहीं है, तुम्हें तो हमारा पार्टनर होना चाहिए ना। हाँ तो कम से कम इस काम में तो मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ ना, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो। आरिश आरिश जल्दी उठो, उनैसा कहीं जा रही है, तुम उसके पीछे जाओ। कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अबॉर्शन के लिए जा रही है। What? क्यों, उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, मैंने उसके पास डॉक्टर्स की फाइल्स देखी हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगा उसका? नहीं आरिश, वो डॉक्टर नहीं है जिसके पास वो जाती है। तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम प्लीज जल्दी निकलो, वो आ रही है, वरना उसे शक हो जाएगा। जल्दी बाहर क्यों बैठा हुआ? किसी का इंतजार कर रहा होगा। ये तो वाकई अबॉर्शन कराने जा रही है। माय गॉड। कहाँ है वो, उसने अपने साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है। शुक्र? अच्छा तुम घर कब आ रहे हो? मैं बस अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
फारिस, मैं तो यहाँ आने के काबिल भी नहीं रही, कैसे सामना करूँगी आपका? मैं आपके कातिल के बच्चे को भी नहीं मार पाई। इतनी पुस्तिल और कम हिम्मत हूँ मैं, और ऊपर से उसी कातिल के साथ रह रही हूँ जो आपको तड़पता हुआ छोड़ गया था। मेरा बस नहीं चलता कि मैं खुद को मार डालूं। नफरत है उससे मुझे। चलो चलो। नहीं। क्या मतलब? मुझसे बात नहीं करनी? नहीं अभी नहीं। क्यों? देखो मेरी बात सुनो, इससे बेहतर मौका तुम्हें फिर नहीं कभी मिलेगा। डैनी, इसका पीछा कर, मुझे देखना ये कहाँ जा रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें पड़ता है। We are interested ना, काफी है। या अल्लाह प्लीज वो जैद के स्कूल ना जा रहा हो। या अल्लाह प्लीज वो जैद के स्कूल ना जा रहा हो। अभी बच्चे भी नहीं निकले, चलो उसके पास। तुम चुप बैठो, मुझे उसके बच्चे को देखना है। तुमने क्या करना है उसके बच्चे को? तुम चुप कर रही हो या बताऊं तुम्हें मैं? जैद, अब चले? अंकल, आज हम रक्षे में घर जाएंगे। नहीं। जैद कभी किसी के प्रेशर में मत आना, ओके? अपने बेस्ट फ्रेंड्स के भी वो करना जो तुम्हें यहाँ से अच्छा लगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? और किसी को बताना नहीं कि मैं आपसे मिलने आया। ठीक है। तुम बाहर क्यों निकले थे? आपने उनको देख लिया? क्या कह रहे थे? नहीं, उन्होंने मना किया कि आपको ना बताऊं। चलो ड्राइवर। नहीं चल। थक गई हो? चाय लाऊं? नहीं, रहने दो। आरिश नजर नहीं आ रहा है, कहीं गया है क्या? मुझे नहीं पता नाज़िया। आज जैद को लेने नहीं गया था?
नाज़िया मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे आराम करने दो थोड़ी देर। ठीक है। ज़ैद, पता है आज मैं रिक्शे में घर आया हूँ। मेरे और अंकल की तरह? हाँ, और मैंने गोला गंडा भी खाया था। अब देख लेना, तुम्हारी तबीयत भी खराब होगी बिल्कुल मेरी तरह। सब तुम्हारी मम्मा को डांटेंगे जैसे अंकल को डांटा था। अंकल का तो बन भी किया था मेरे पापा ने। और तुम्हारे पापा कह रहे थे कि अंकल चोर है, लेकिन वो चोर तो नहीं है। नहीं, वो बुरे नहीं है। सुनो, तुम्हें अंकल नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं उनको अपना बाबा बना लूंगा। लेकिन तुम्हारे तो अपने बाबा हैं। वो बाबा अच्छे नहीं हैं, बहुत डांटते हैं, मामा पर भी गुस्सा करते हैं। मेरे बाबा तो नहीं करते। हाँ, और तुम्हारे साथ खेलते भी हैं, मेरे वाले तो खेलते भी नहीं हैं। लेकिन मेरे बाबा के पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे वाले बाबा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बाबा जैसे बाबा चाहिए। पर मेरे बाबा तो जा रहे हैं, मम्मा कहती अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं मामा को लेकर उनके साथ चला जाऊँगा। पर मुझे भी जाना है। तुम तो नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी मामा ही नहीं जा रही। मेरी मामा जा रही हैं? हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी मामा जा रही हैं? मैंने मामा से कहा था कि मैं उनको अपने प्लेन में लेकर जाऊंगा, और उन्होंने कहा था ओके, मैं ले लूँ तुम्हारे बाबा। लेकिन तुम्हारे बाबा को फिर क्या होगा, वो तो यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हें भी वो अच्छे नहीं लगते। वो तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे चलो बैठो, मेहमान आए हैं। नहीं नहीं, ऐसे नाज़िया इधर आओ। क्या सोचा तूने? मैं तो बता चुका हूँ, तुम लोग सोचो क्या करना है। मतलब तुम फैसला कर चुके हो कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आई थिंक मैं वही करने जा रहा था जब रास्ते में से तुम लोगों ने मुझे उठाया। आरिश, हरीश इनकी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम बीच में मत बोलो। बदल नहीं गया यार। हाँ, थोड़ा और स्टूपिड हो गया। तुम जानते होगे जो बातें कर रहे हो इनका अंजाम क्या होगा। हरीश, हरीश प्लीज इनकी बात मान लो। आई प्रॉमिस यू, ये लोग उनेजा को यकीन दिला देंगे कि तुमने फारस का कत्ल नहीं किया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सारी बकवास और सारा किस्सा अभी खत्म कर दूं। अगर पुराना दोस्त है यार, इसलिए मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहता। और अगर तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे सामने मार दिया जाए तो? तू उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। चलो दूर से गोली मार दे तो? मासूम में उनका किससे से कोई ताल्लुक नहीं। चलो भाई, कल इन मासूमों को भी उठाते हैं जरा। चल यार, चल चल। ए, ए, ए! फिर वो गया कहाँ है? वो मुझे जवाब भी नहीं दे रहा। मुझे क्या पता। मतलब तुमने आज सारा दिन उसे नहीं देखा? देखा था, जैद के स्कूल पे आया हुआ था, फिर कहाँ गया नहीं पता। जैद के स्कूल में? वो वहाँ क्या कर रहा था? फिर मुझे क्या पता, आए तो पूछ लेना। जैद से बात कर रहा था, जैद से बात करके चला गया। वो तो घर पर भी मिल सकता था। उसकी मर्जी, आएगा तो पूछ लेना। वो नहीं आएगा, वो गायब हो चुका है, बिल्कुल जैसे फारिस गायब हुआ था। तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। वो कोई गायब नहीं है, कहीं गया होगा, आ जाएगा। उसने पहले ऐसे कभी किया है? नहीं ना, मुझे तो लग रहा है कि वो जैद से आखिरी बार मिलने गया है।
नाजिया कैन यू स्टॉप इट? तुम मिस्ट्री राइटर बन जाओ, आज ही मुझसे मिली हो, आज ही मेरी उससे बात हुई है और उसका 0.1% इरादा नहीं था यहाँ से कहीं जाने का। अगर ऐसा ही है तो तुमने जैद से पूछा कि आरिश ने क्या बातें की उससे? सैदू उठो प्लीज, सैदू मैं तुमसे कुछ पूछना है। सैदू आज अंकल आए थे ना स्कूल, क्या बात हुई आपसे? मैं नहीं बता सकता। बेटा प्लीज, अंकल गुम गए, उनको ढूंढना है, प्लीज बताओ। मुझे पता है, अंकल नैरोबी गए हैं। नैरोबी? आप इतने कहा था कि नैरोबी चले जाएं, तो वो चले गए। उन्होंने बताया वो कब वापस आएंगे? नहीं, वो कह रहे थे कि बहुत मिस करेंगे। मैंने भी कहा कि मैं भी उनको बहुत मिस करूंगा। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं। अब परेशान है? क्यों, आपको भी अंकल अच्छे लगने लगे हैं? आप भी उनको मिस करेंगी ना? आप सोच रहे थे बकवास बंद रखो ना, वरना आई स्वेयर टू गॉड आज तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा। आरिश, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ, और इसलिए तुमने सोचा कि जाके उनको बता दो कि मैं कहाँ हूँ। हाँ, क्या बकवास कर रही हो यार? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। और किस तरह रोकती तुम्हें? आरिश, मैंने तुम्हारी जिंदगी में सब बर्बाद कर लिया, मुझे सब कुछ ठीक करना है। हाँ, और इसलिए तुमने मजीद बेवकूफी करके मुझे और मेरी फैमिली को और मुसीबत में डाल दिया। Do you want me to believe you? मेरी बुरी नियत नहीं थी आरिश। हिना, I swear to God, मुझे तुम्हारी बातों से नफरत हो रही है, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मेरा ख्याल था कि वो दोनों तुम्हें कन्विंस कर लेंगे। आरिश, अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तुम मैं कसम खाती हूँ मैं कभी भी बात नहीं करती उनसे। आरिश, तुम रुको, वो आएंगे तो मैं उनको समझाऊंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। आरिश, प्लीज ट्रस्ट मी। मेरी बात सुनो, अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हारा वो हासिल करूंगा कि तुम याद रखोगी। मेरा ख्याल है उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। वो सौ बारी भी फांसी चढ़ जाए तब भी फारिस कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हें वाकई नजर नहीं आता कि वो तुमसे और जैद से कितना प्यार करता है? मुझे सिर्फ ये नजर आता है कि वो फारिस का कातिल है। तुम उसकी बीवी हो, तुमसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि आरिश ऐसा इंसान किसी का कत्ल कर सकता है? और अगर ये प्यार दिखावे का है, चुप के स्कूल नहीं जाता और हॉस्पिटल में इतना परेशान नहीं हो, और ना ही ऑफिस के अकाउंट से पैसे निकाल के तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करता, तुम्हें वो पैसे तो मिल गए ना उनेजा? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अब आरिश को जान चुका हूं। सच में उनेजा, बहुत लकी हो कि आरिश जैसा शौहर मिला है।
क्यों झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही। जब आपने उनैजा से बात की तो आपकी कदर और इज्जत मेरे नजरों में इतनी बड़ी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। नाजिया, मैंने बहुत गलतियां की हैं। तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है और आज मेरे अपने बेटे ने मुझे ठुकरा दिया, कह दिया कि उसे मुझ जैसा बाबा नहीं चाहिए। नाजिया, उसने मेरी नकल उतारी। सच में इतना घिनौना, सच में उसे मुझ जैसा बाबा नहीं चाहिए, उसे आरिश जैसा बाप चाहिए। वो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। नहीं नाजिया, माशाल्लाह बहुत समझदार है। मैंने उसके लिए क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे प्यार के, मेरे वक्त के। तो फिर इस सब का क्या फायदा? नाजिया, मैं अपना बेटा खो चुका हूं। आप उसे कभी नहीं खो सकते, ये भी मेरा प्रॉमिस है। मुझे याद है सब कुछ। मुझे जैसे ही जैद की तरफ से इत्मीनान हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। मैं कातिल हूं ना, मैं बुरा आदमी हूं ना, मैं हूं, तुम तो नहीं हो। तुम प्लीज इसको पैदा कर दो, तुम इसको पैदा कर दो, मैं इसको दूंगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। प्लीज प्लीज। नाश्ता लगा रही हूँ, आप आ जाएं। अरे नाश्ता तो हम करते रहेंगे, तुम मेरे साथ बैठ तो जाओ। मगर शगर कुछ नहीं, प्लीज प्लीज आओ, आ जाओ। अब जरा लेट हो रहा है, उसको स्कूल जाना है, मैं उसको तैयार करके आ जाती हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन दो मिनट मेरे साथ बैठ तो सकती हो। आप बैठे, मैं जरा को स्कूल भेज के आपके लिए कॉफी लेती हूँ। प्रॉमिस? तो फिर जल्दी आना। अच्छा ओके 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 ओके, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, छोड़ दो उसको। मैं बच्चा को लेकर आ रहा हूं। छोड़ो। अच्छा उसको छोड़ दो प्लीज, उसको छोड़ो। बच्चा छोड़ो, आ गया। साहब साहब, क्या हुआ? उनैजा मैडम को कोई किडनैप करके ले गया।
ले आ भाई मेहमानों को। आइए आइए भाभी जी। मैं तुम लोगों की हर बात मान लूंगा, इन लोगों को जाने दो। इनको तो पहचानती होगी आप भाई। आपको शोर को तो मैं समझा समझा के थक गया। मेरे मुर्दे मत खेलो, मेरे मुर्दे मत खेलो। लेकिन ये कदारे नहीं छोड़ा, इसलिए आपको यहाँ लाना पड़ा। हाँ भाई, अब मानेगा क्या? नहीं, मैं तुम लोगों की हर बात मानूंगा, इन लोगों को जाने दो। यकीन नहीं आ रहा। तो मेरी वजह से जा रहा था ना पुलिस स्टेशन। मैं तुम सबको माफ कर देती हूँ, मैं तुम सबको माफ कर रही हूँ। प्लीज प्लीज आरिश को छोड़ दो। अभी भी यकीन नहीं है। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, चाहते क्या हो? मसला ये है कि तू नहीं बोलेगा तो तेरी बीवी बोलेगी, तेरी बीवी नहीं बोलेगी तो ये बच्चा बोल देगा, और अगर तुम में से कोई भी नहीं बोलेगा तो ये बोल देगी। मतलब एक बारिश के चक्कर में चार लोग हो जाए। मेरा दिल कैसे लगेगा सोचा। मैं तो नहीं कह रही थी ना तुमसे प्यार, जबरदस्ती तुमने मुझसे प्यार कराया, और अब जब हो गया तो जा रहे हो मुझे छोड़ के। खोलो आरिश प्लीज, अगर तुमने आज आके नहीं खोली ना तो मैं कयामत के दिन तुमसे पूछूंगी, हिसाब लूंगी। आरिश प्लीज, तुम सुन रहे हो ना आरिश मेरी बात? आरिश तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहती। Thank you.
क्या करूं इल्तिजा है।